नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किन किन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान .org। जैसे आप ये ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है। हम जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको इसमें यस कर देना है कि आप इंडिया के सिटीजन हो। उसके बाद ये बोलता है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो, तो इसमें यस कर देना है। उसके बाद यहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कैंडिडेट नेम डालना है, उसके बाद फादर नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक डिटेल आ गई है, जहाँ पे आपको आपका एड्रेस भरना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले आपका करंट एड्रेस डाल देना है, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है, उसके बाद में आपका नीचे पिन कोड वगैरह जो भी है वो सब कुछ डाल करके उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, अगर अलग अलग है तो आपको खाली छोड़ देना है और आगे वाला एड्रेस आपको भर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपकी LLB फाइनल ईयर कब हुआ था, वो डाल देना है। उसके बाद आपका पैलेस डाल देना है, उसके बाद आपका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, एज्योर आपके हिसाब से। उसके बाद आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो पूरी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर ली है। उसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो थैंक यू फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वेरीफिकेशन अथवा एक्टिवेशन लिंक है जो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है और आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल में ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल पर जो लिंक आया वो लिंक ओपन करके और आपका इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इसका इंट्रैक्शन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक हर वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप उस पर ओके कर देते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक PDF आ जाती है, जहाँ पे आप इसका पूरा इंट्रैक्शन देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका स्टेटस वगैरह चेक करना चाहो तो यहाँ पे इनरोलमेंट स्टेटस पे आकर के आपका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड नंबर डालना है, आपका नाम डालना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका नाम का जो भी फर्स्ट करेक्टर होता है, जैसे मेरा नाम सुनील है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का सबमिट कर देते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाता है। बाकी डिटेल मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण हाइड कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही इस लिंक पर क्लिक किया, लिंक पर क्लिक करते ही मेरे सामने एक नया पेज इस प्रकार से एक ओपन हो गया। जैसे ही आपने इस प्रकार से ओपन किया, यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यह होगा तो वो अलग यूजर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। कई बार आपका मोबाइल नंबर भी यूजर नेम होता है तो मोबाइल नंबर भी वहाँ पे आपको डाल देना है। आपका अकाउंट एक्टिवेशन कर लोगे, आपकी मेल पे एक बार फिर से एक मेल आएगी जहाँ पे आपका यूजर नेम मिलेगा और आपने जो पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड मिलेगा। पूरी डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिटेल आप चाहो तो सेव कर लो, अगर आप कहीं लिख के रखना चाहो तो लिख के रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी, आप यहाँ से पर्सनल डिटेल देख लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट ही आपको पेमेंट वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट डिटेल का, तो यहाँ पे आपकी जो पेमेंट होती है वो पेमेंट आपको दिखाई दे रही है। जितने भी पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन थ्रू आपकी पेमेंट करनी है तो जो पेमेंट है आप ऑनलाइन आपकी पेमेंट कर दीजिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट काट देनी है। पेमेंट पे करने के बाद में यहाँ पर डिग्री डिटेल के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी सभी मार्कशीट अपलोड कर देनी है, जैसे 10वीं की होगी, 12वीं की होगी, BA या अथवा BSc आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया है फर्स्ट सेकंड फाइनल, उसके बाद LLB के अंदर आपने जो भी किया है फर्स्ट सेकंड फाइनल, वो डिटेल यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन है तो एड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोर्स का सेलेक्ट कर लेना है आपके पास में और कौन सा क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद क्या किया था आपने, उसके बाद पासिंग ईयर्स क्या है, रोल नंबर क्या है, स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है और स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद राज्य यहाँ पे भरना है, उसके बाद मीडियम भर देना है, हिंदी था, इंग्लिश था, उसके बाद डिवीजन आपकी कौन सी डिवीजन बनी थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन जो भी बनी थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, कितने में से कितने नंबर बने थे, परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरी डिटेल अपलोड करने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा लास्ट में कि आपने टोटल कितने दस्तावेज यहाँ पे अपलोड किए हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वालिफिकेशन डिटेल पे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि ईयर्स ऑफ LLB कोर्स आपने 2 साल वाले किया था, 3 साल वाले किया था या 5 साल वाला किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, मीडियम क्या था। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपने ईयरली किया था या सेमेस्टरली किया था।
उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपने प्राइवेट किया था या फिर रेगुलर किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको कितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनकी संख्या यहाँ पे लिख देने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने कितने डॉक्यूमेंट याद किए उनकी संख्या यहाँ पे याद रखी है। तो उनकी संख्या याद रखने के बाद यहाँ पे आपको डाल के सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अदर डिटेल पे क्लिक करना है। अदर डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सबसे पहले नाम मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक ही, और यहाँ पे कुछ कैटेगरी आपको दी गई है यस नो, तो आप पे जो भी कैटेगरी लागू होती है उस पे यस कर दीजिए, अन्यथा सभी पे नो ही रखना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस प्रकार से आपकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फोटो अपलोड करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो का जो पिक्सल है वो 450x450 अन्यथा 600x600 होना चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। अब इसका साइज़ कैसे चेंज करते हैं फोटो का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फोटोशॉप में आना है, ये नॉर्मली मेरे पास में फोटो है, इमेज के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है इमेज साइज़ का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा है पिक्सल, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है कि आपको 650x650 चाहिए, 450x450 यानी कि 450x450 चाहिए, वो यहाँ पे ओके करके उसके बाद आपको सेव कर देना है जो भी आपकी नॉर्मल इमेज होती है उस पर। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ने जो भी कॉलेज है वहाँ से अटेंडेंस जो लेके आए हो, आपकी जो हाजिरी लेके आए हो, उसकी PDF बना करके यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसका साइज 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। याद रखिए ये PDF फॉर्मेट में ही अपलोड हो पाएगी, अन्यथा अपलोड नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप एक बार सबमिट करने के बाद कोई भी डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको सबसे पहले केयरफुली इनको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हर टू डाउनलोड फॉर्म, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो अभी आपने जो फॉर्म भरा था उसकी एक PDF आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया था कैंडिडेट शुड बी इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर्म A4 पेज, और यहाँ पे आपको A4 पेज पे आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, आप आराम से निकाल सकते हो। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र को A4 के लिफाफे में बंद करके भेजना चाहिए। लिफाफे के ऊपर आपको जो लिखना है वो यहाँ पे देख सकते हो आपके लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है। तो ये आपको जो फॉर्म है वो आपको फॉर्म भेजना है। अब आपको कौन से एड्रेस पे ये फॉर्म भेजना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की साइट पे आते हो तो वहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाता है, उसी एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेजना। चलिए मैं आपको साइट पे दिखा देता हूँ, एड्रेस पे दिखा देता हूँ। जो आपके पास में मेल आई थी उस मेल पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो जिस एड्रेस पे आपको भेजना है, स्केट्रीट बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग जोधपुर, और यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो मेंशन करनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप साइट पे आके देखना चाहो एड्रेस, तो साइट पे आकर के और आपको नीचे आपको एक एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका एड्रेस भी चेक कर सकते हो कि आपको कौन से एड्रेस के अंदर भेजना है। द बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग जोधपुर, और यहाँ पे जो पिन कोड है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर भेजते समय मेंशन करने वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सभी की एक एक फ़ोटो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, और यहाँ पर आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते ही आपको इस प्रकार से दिखाई देता है कि सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर्स, आपका जो भी आपके वकील जानकार हैं या एडवोकेट जानकार हैं उनसे दो से आपको ये सर्टिफिकेट बना करके वहाँ पे भेजना है, और ये एक शपथ पत्र आ गया आपका। इस पत्र पत्र के अंदर नॉर्मल डिटेल दी गई है, उन डिटेल को फिल करना है, और उसके बाद में इनके एक साथ में आपको एक कॉपी एक फॉर्म स्कैन करके आप रख सकते हो आपके पास में, और एक फोटोकॉपी आपके पास में रखनी है, और एक आपको ऑफिस में भेज देनी है।